हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज है 19 अक्टूबर 2021 और आज की इस वीडियो हम लोग 19 अक्टूबर के दैनिक रोजगार समाचार को देखेंगे। यहाँ पे आप लोग मुख्य खबरें देख सकते हैं। इन सभी खबरों को अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। जैसे यूपी बीएड 2021 की पूल काउंसलिंग 22 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है। आज जो है पूल काउंसलिंग के बारे में अपडेट आई है, कौन सी अपडेट आई है ये अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। उसके बाद बीएड में अभी कुल कितनी सीटें खाली हैं ये भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं 27 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही हैं। किस यूनिवर्सिटी के जो हैं स्टार्ट हो रही हैं 27 अक्टूबर से बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम। उसके बाद 7800 पदों पर होगी भर्ती, किस विभाग में होगी ये अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। डीएलएड 2021 के बारे में अपडेट है। उसके बाद स्कॉलरशिप के लिए केवल 21 तक करें आवेदन, डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, क्योंकि पूल काउंसलिंग ही 22 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है। और भी मुख्य खबरें हैं, सभी खबरों को हम लोग डिटेल में देखेंगे। बीएड की अगर आपको पल पल की अपडेट चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक छोटी सी मैं अपडेट आप लोगों को देना चाहता हूँ। सीटेट की जो है रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आज है, 19 अक्टूबर तक ही आप लोग जो है फाइनल फीस और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर अभी तक आप लोग सीटेट का फॉर्म नहीं भरे तो आज लास्ट डेट है, आज तक आप लोग भर सकते हैं। और काफ़ी सारे लोग जो है सीटेट का फॉर्म भर दिए हैं। वो लोग पूछ रहे थे कि हम कौन सी बुक से तैयारी करें सीटेट एग्ज़ाम के लिए, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये बुक आप लोग ले सकते हैं। चक्षु पब्लिकेशन की ये बुक है, इसका कवर पेज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये गाइड है सीटेट स्पेशल एग्ज़ाम के लिए, प्राइमरी लेवल की ये बुक है। पाँचों सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, 3000+ क्वेश्चन, 2 सॉल्व पेपर आपको देखने को मिलेंगे। न्यू पैटर्न पर आधारित है ये बुक, क्योंकि इस बार सीटेट का पैटर्न चेंज हुआ है, तो पुरानी बुक आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये बुक जो है आपको हर मार्केट मिल जाएगी, अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ऑनलाइन भी आप लोग इसे ऑर्डर करके घर बैठे मंगवा सकते हैं। इसका पाठ्यक्रम आप लोग देख सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी बुक है, चक्षु पब्लिकेशन की बुक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पाठ्यक्रम इसका देख सकते हैं। सबसे पहली खबर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा जो है 27 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है। बीएड पाठ्यक्रम 2020-21 के छात्र छात्राओं की परीक्षाएं 27-28 अक्टूबर को संपन्न कराई जाएगी। राज्य विश्वविद्यालय के कुल सचिव एसके शुक्ल ने बताया कि कॉलेजों को अपने स्तर से छात्र छात्राओं को तैयारी करने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि पूर्व में विश्वविद्यालय ने परीक्षा न कराकर प्रमोट करने का आदेश दिया था, हालांकि बाद में विश्वविद्यालय ने परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। काफ़ी इंतजार के बाद परीक्षा तिथि घोषित होने से छात्र छात्राएं उत्साहित हैं। ये जो है 2020 का है, ओके, तो जो है 2021 में एडमिशन लेने जा रहे हैं उनसे इसमें कुछ भी मतलब नहीं है। जो 2020 में जो है एडमिशन लिए थे इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी से, तो उनका जो है 27 अक्टूबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग वेबसाइट को चेक कर सकते हैं, कॉलेज में आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जहाँ आपका एडमिशन हुआ था। उसके बाद डीएलएड 2021 सत्र की 50% सीटें खाली रह गई हैं। इस बार बहुत सीटें खाली रह गई हैं डीएलएड में। इस बार यहाँ पर देख सकते हैं, कभी नौकरी की गारंटी माने जाने वाले डीएलएड कोर्स को अधिकांश युवा करना नहीं चाहते। यानी कि पहले जो है 2015 के पहले जो लोग डीएलएड यानी कि बीटीसी कर लेते थे उनकी नौकरी 100% कन्फर्म रहती थी, अब इसे देखिए करने को तैयार नहीं हो रहे हैं जब से बीएड को प्राइमरी में जो है शामिल कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, अप्रेंटिस के लिए करें आवेदन कहाँ पर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स ASL में, यानी कि DRDO में। यहाँ पर देख सकते हैं कुल पद हैं, और ये वेबसाइट आप लोग इच्छुक हैं तो ये वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। प्रतिनियुक्ति के आधार पर विभिन्न रिक्तियां हैं, ये वेबसाइट वगैरह हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। असिस्टेंट अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर व अन्य पद रिक्त हैं, टोटल 217 पद हैं। यहाँ पे इसकी लास्ट डेट 13 नवंबर है, ये वेबसाइट है, आप लोग चेक कर सकते हैं। कार्यक्रम सहयोगी सहित कई पद खाली हैं, कहाँ पर, नाडा में। राष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी, कुल 18 पद हैं, ये वेतन वगैरह देख सकते हैं, ये इसकी वेबसाइट है। चलिए फटाफट और भी मुख्य खबरें देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा आप लोग, ताकि उन लोगों को भी नॉलेज हो सके, डेली वो लोग एजुकेशनल अपडेट देखते रहें। 7800 पदों पर होगी भर्ती, 11 राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए जो है 27 अक्टूबर तक किए जा सकते हैं आवेदन। यहाँ पर देख सकते हैं, बैंकों की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में जुटे प्रतियोगियों का जो है इंतजार अब खत्म हो गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS की ओर से 11 राष्ट्रीयकृत बैंकों के क्लर्क ग्रेड के पदों के लिए जो है प्रक्रिया शुरू हो गई है। 7800 टोटल पद हैं, 27 अक्टूबर तक जो है आवेदन आप लोग कर सकते हैं। IBPS की पोस्ट निकली है, तो अगर आप लोग बैंकिंग
का भी एग्ज़ाम देते हैं तो आप लोग दे सकते हैं। IBPS की जो है 7800 पदों पर निकली है पोस्ट। उसके बाद छात्रवृत्ति के लिए जो है 21 तक करें आवेदन। यहाँ पर देख सकते हैं जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी इंद्रसेन सरोज ने बताया कि वर्ष 2021-22 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि शासन की ओर से निर्गत समय सारणी के अनुसार 21 अक्टूबर निर्धारित की गई है। ऐसे में जनपद में अध्ययनरत पात्र छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि वे आवेदन पत्र छात्रवृत्ति की वेबसाइट, ये वेबसाइट है पर भरकर हॉट कॉपी संबंधित शिक्षण संस्था में जो है जमा कर दें। अगर डेट नहीं बढ़ाई जाएगी तो जो बीएड में या और कोर्स में अभी एडमिशन लेंगे वो लोग जो है नहीं भर पाएंगे। अगर डेट बढ़ना होता तो अब तक बढ़ जाती है। मेरे ख्याल से डेट नहीं बढ़ाई जाएगी बट डेट बढ़ाना चाहिए। पिछली बार भी डेट बढ़ाई गई थी, पूल काउंसलिंग नहीं हो पाई थी, डायरेक्ट एडमिशन नहीं हो पाया था, बीएड स्पेशल का मैं बता रहा हूँ, इसी की वजह से जो है डेट बढ़ाई गई थी। बट देखिए चांस है कि डेट बढ़ाई जा सकती है, जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और साथ ही सीटेट की जो है अलग अलग बुक भी आती हैं, चक्षु पब्लिकेशन की यहाँ पे देख सकते हैं, प्रैक्टिस सेट की भी बुक आती है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बीएड प्रवेश 2021 सवा लाख सीटों के लिए पूल काउंसलिंग 22 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है। काउंसलिंग का पहला चक्र पूरा हो गया है, यानी कि राउंड वन हो गया है। राउंड टू पूल काउंसलिंग को कहते हैं और राउंड थ्री डायरेक्ट एडमिशन को 1.31 लाख अभ्यर्थियों को जो है सीट आवंटित की गई है राउंड वन में। चलिए मैं डिटेल में बताता हूँ। प्रदेश के सरकारी व प्राइवेट कॉलेजों में बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए चल रही प्रवेश काउंसलिंग का पहला चक्र पूरा हो गया है। इसका आयोजन कर रहे लखनऊ विश्वविद्यालय के अनुसार 251,125 सीटों के सापेक्ष 164,188 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग के लिए पंजीकरण कराया। इनमें से 131,841 अभ्यर्थियों को जो है सीट आवंटित हुई है। टोटल जो है बीएड में जो सीट है वो 251,125 है और इसमें जो है 164,188 लोगों ने जो है काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराए थे और इसमें से मात्र 131,841 अभ्यर्थियों को जो है सीट आवंटित हुई है। उसके बाद संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा की राज्य समन्वयक प्रो अमिता वाजपेयी ने बताया कि शेष 1.25 लाख सीटों के लिए 22 अक्टूबर से पूल काउंसलिंग शुरू होगी। इसके लिए पंजीकरण 25 अक्टूबर तक चलेगा, ठीक है, 22 से 25 तक चलेगा। अभ्यर्थी 22 से जो है 26 अक्टूबर तक च्वाइस फिलिंग आदि प्रक्रिया पूरी करेंगे। सीट आवंटन 27 अक्टूबर को लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। अलॉटमेंट जो इसका रिजल्ट है वो 27 को पता चल जाएगा। बताया कि पूल काउंसलिंग में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को पूरे शुल्क का भुगतान करना होगा, यानी कि टोटल 52,000 फीस आपको एक बार में पे करना होगा। इसमें वे सभी अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं जिन्होंने मुख्य काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं किया है अथवा मुख्य काउंसलिंग में प्रतिभाग किया है, कोई सीट आवंटित नहीं हुई है, यानी कि जिनको सीट नहीं मिली है वो लोग भी ले सकते हैं और जो लोग नहीं किए थे वो लोग भी ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स यही थी अपडेट आज की, 19 अक्टूबर की यही थी अपडेट। इसके बावजूद यहाँ पे शेड्यूल इसका देख सकते हैं, मैंने सारी चीज़ें बता ही दी हैं। इसके बावजूद कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जैसे ही यूपी स्कॉलरशिप के बारे में कुछ भी अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और हाँ, जो स्कॉलरशिप की पार्ट टू की वीडियो इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि साइट नहीं चल रही है और मेरे पास किसी का डाटा है नहीं है, फर्जी मैं फॉर्म भरना नहीं चाहता है। अगर आपके पास डाटा है, रजिस्ट्रेशन आपका हो गया है, फॉर्म भर गया है, फाइनल अगर आप लोग नहीं किए हैं, फाइनल फॉर्म अगर आप लोग लॉक नहीं किए हैं तो आप लोग व्हाट्सएप पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप लोग कॉन्टैक्ट करें, फिर मैं पार्ट टू की वीडियो बना दूंगा अच्छे से कि कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें भरी जाती हैं, एक बार में आप लोग जो है फॉर्म भर सकें क्योंकि संशोधन का समय ज़्यादा है नहीं है। थैंक यू।